हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम और क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग क्लीनिंग जो भी काम है सब हो चुका है और मशीन भी लगा दी है मैंने सुबह सुबह ही, क्योंकि कोशिश यही करती हूँ मैं कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में आज बना रही हूँ मैं मिक्स सब्जियों के पराठे। तो फ्रिज में कई तरह की सब्जियाँ हो जाती हैं इकट्ठी, और ये सब्जियाँ कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, सिर्फ रात की सब्जियाँ हैं जिनके कि मैं सुबह को पराठे बना रही हूँ। और रात की इतनी सारी सब्जियाँ इसलिए इकट्ठी हो गई हैं क्योंकि कल हमारे यहाँ ऊपर वालों के से भी खाना आ गया था, तो कुछ वो बचा हुआ था, कुछ हमारे यहाँ का बचा हुआ, और वो सब्जियाँ मैंने इसमें मिक्स कर ली हैं। तो इसमें जो सब्जियाँ थी पनीर की, आलू गोभी की, और एक मिक्स वेज थी वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है, और थोड़े से टमाटर प्याज कटे हुए रखे थे, कटे के मतलब चॉप किए हुए रखे थे वो डाल दिए हैं, और इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग और अजवाइन, जिससे कि ये पराठे हमें नुकसान ना दे, क्योंकि सब्जियां रात की हैं। और अब मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच देसी घी, जिससे कि पराठों में थोड़ा खस्तापन आ जाए। तो यहाँ ये देखिए आटा मेरा हो गया है तैयार, और अब मैं इसे थोड़ी सी देर रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, उसके बाद पराठे बनाऊंगी। सीरो सीरो की चल रही है मसाज, ये देखो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सुबह के 10:30 बज चुके हैं, बाय बाय। और नाश्ता वगैरह आज कुछ नहीं बना अभी हमारा, लाइट एक और ख़राब हो गई, तो अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज थोड़ा सा लेट हो गया काम वाम, तबीयत मेरी इन दिनों थोड़ी सही नहीं चल रही है, तो इस वजह से काम थोड़ा लेट सेट हो रहा है। तो ये देखिए, ये है मिक्स सब्जियों में गुंदा हुआ आटा, और आज इसी के पराठे बनने हैं नाश्ते में। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं पराठे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पानी ज़्यादा है। देखिए नाश्ता बन चुका है मेरा, पराठे और दूध, दूध में भी कॉफ़ी डालूंगी, और ये समोसे हैं ऊपर वालों के यहाँ से आए थे, और मशीन चला देती हूँ सबसे पहले। तो मशीन के इतने में जब तक मेरा नाश्ता होगा, मेरे कपड़े भी एक राउंड के धुल जाएंगे। एक राउंड के कपड़े धुल जाओ तो फिर कपड़े का काम समझो निमटा सा ही हो जाता है। तो चलिए फिर अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता, आ जाइए और आप भी कर लीजिए। और इधर चला हुआ है बंकू का टीवी में कार्टून। शिरो दूध चाहिए, दूध चाहिए बाबू, चलो अभी आने दे भैया, वैसे तुम पीता तो तू है नहीं वैसे। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका है, और ये देखिए बंकू जला रहा है शाम की जोत। तो इस टाइम लगभग शाम के 6 या 6:15 बजे का टाइम हो, 8:30 बज रहे हैं।
शीरो को पता चल गई, देखो मैं बाहर भी गई ना तो मेरे पिए ना ये आ गया मेरे पीछे पीछे ही गया है। पतोरी को रहने दे बाबू, ये समझाएगी। ले आओ तो ले आओ इसे भी। ऊपर तो अंधेरा हो रहा है, कहाँ आराम फरमा रही है मैडम जी। पाइप पे अब उसमें जाने लायक रहना रही वैसे ही। चेरी फंस जाएगी। ओए ओए अब भाई खेलने का वो तो नहीं है शीरो, चल चेरी के साथ खेल। हाँ अब तो है तेरे पास पार्टनर, देख चेरी ऐसी है जरा देर में लमलेट लगा जावे। चले है कोई नीचे? चले चलो चलो तो चलो वीडियो नीचे ही है। अब देखो शीरो कितनी जल्दी, शीरो नीचे नीचे एक राउंड जरूर लगाना। चेरी पता है हम तो वहां बैठे और चेरी आराम से कारपेट पे जाके लेट लगा रही है ना चेरू। चेरू का खाना दो भाई जल्दी से चेरू का खाना दो, खाना शीरो का भी तो दो और शीरो का भी तो खाना भाई। शीरो तो गुड बॉय है। हाँ तो जी इस टाइम बज चुके हैं 9 और अभी अभी हम आए हैं ऊपर, छत पे चले गए थे थोड़ी देर, पर गर्मी में कोई राहत नहीं है ऊपर भी। और अब मैं बनाऊंगी रोटियां, दाल बनी रखी है, रोटी सेकनी है बस। और हमारे घर अभी नए मेहमान होते होंगे तो चलिए फिर अब मैं बना लेती हूँ रोटियां। और रोटी आजकल हमारे घर में ऐसा चल रहा है कि कोई भी खाना ढंग से नहीं खा रहा है, खा ही नहीं रहे कोई भी, बस चटपने खा रहा है पंकू। तो पंकू को तो डेली बर्गर खिला लो। और मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे दिन में तो इस टाइम तो भूख नहीं लगती और पता नहीं क्या हो रहा है रात में भूख लगती है और रात में खाना खा नहीं सकते। बंकू बैल बंद कर, और रात में खाना खा नहीं सकते तो इसीलिए हमारे खाने का कुछ भी ना हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, रूटीन सारा डिस्टर्ब हो रखा है। चुन्नी नहीं लेगी ये, कपड़ा ले गई इसमें से। तो चलिए अब मैं रोटियां सेक लेती हूँ और इसी के साथ इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड कर दूंगी। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी वीडियो का भी मुझे पता नहीं है कितनी बनी है कितनी नहीं बनी, क्योंकि सुबह के बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तबीयत सही नहीं है तो ना तो नींद आती है और ना ही कुछ काम हो पाता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।